ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इंटरफेस एक बनाया है बैंक, और दो क्लास हमने लिया है ICICI और SBI। ठीक है, दोनों में हम लोग बैंक को इम्प्लीमेंट किए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रेफरेंस जरूर बना सकते हैं उसका। ठीक है, रेफरेंस में कोई मेमोरी यूज नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस किसी भी क्लास का, किसी भी इंटरफेस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बैंक B1 करके रेफरेंस बनाया, देन उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया, न्यू ICICI, मीन्स ICICI क्लास को लोड करने के लिए हमने ICICI का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे मेमोरीज वगैरह किसको मिलेगी, इसके मेथड्स को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर कॉल किया है, कॉल किसको किया है, B1.RateOfInterest। ठीक है, B1.RateOfInterest, यहाँ पे B1 किसका ऑब्जेक्ट है, ICICI का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ICICI का ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो है वो कॉल होगा, और हम लोग को वहाँ से एक वैल्यू मिलेगी 9.05F। ठीक है, फ्लोट वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिए हैं, फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे F लिखना पड़ता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे SBI का भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं सेम वैसे ही लेता हूँ, बैंक B2 इक्वल टू न्यू SBI। ओके, यहाँ पे हमने बैंक B2 इक्वल टू न्यू SBI यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे B2.RateOfInterest में कॉल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SBI, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ICICI। सेव करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों क्लास के मेथड कॉल हो रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक SBI का ऑब्जेक्ट है, एक ICICI का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों अपने अपने मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इंटरफेस को इनहेरिट हम लोग कर सकते हैं किसी भी क्लास में, किसी भी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन किए हैं मेथड का, उसका इम्प्लीमेंटेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे तो हम लोग को कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है, CTE, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा बाय इंटरफेस। If a class implements multiple interfaces or an interface extends multiple interfaces, it is known as multiple inheritance. ठीक है, अगर कोई भी एक क्लास, इस डायग्राम में हम लोग देखें, अगर कोई भी एक क्लास दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, अगर कोई एक क्लास दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, या फिर कोई एक इंटरफेस दो इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। ठीक है, क्लास में इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है, इंटरफेस में कोई दूसरा इंटरफेस एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी एक इंटरफेस में दो इंटरफेस या दो से ज़्यादा इंटरफेस हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स इनहेरिट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। वैसे ही अगर किसी क्लास में हम लोग दो या दो से ज़्यादा इंटरफेस हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं किया जाता है क्लासेस में, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटरफेस को यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज किए हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एक इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल। प्रिंटेबल हमने क्या किया है, एक इंटरफेस बना दिया है, और उसके अंदर हमने एक डिक्लेयर किया void print। ठीक है, एक मेथड डिक्लेयर किया इसके अंदर print। फिर दूसरा इंटरफेस हमने बनाया showable। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या किए, एक show नाम का मेथड डिक्लेयर कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्लास A7 लिए, क्लास A7 में हम लोग इम्प्लीमेंट किए प्रिंटेबल कॉमा शोएबल, प्रिंटेबल कॉमा शोएबल। ठीक है,
दोनों इंटरफेस को हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर लिए। हम लोग मल्टीपल क्लासेस को कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग इंटरफेस को जरूर कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो 10, 20, 15 कितने भी इंटरफेस को एक क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ दो इंटरफेस बनाया, प्रिंटेबल और शोएबल, और दोनों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारे पास, ठीक है, प्रिंट और शो दोनों का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, पब्लिक वॉइड प्रिंट, पब्लिक यहाँ लगाना जरूरी है क्योंकि ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, पब्लिकली ही डिक्लेयर किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पब्लिक वॉइड प्रिंट यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो, और इसके अंदर हेलो हमने प्रिंट कर दिया। फिर पब्लिक वॉइड शो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे वेलकम हमने प्रिंट किया। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम ले लेते हैं, और यहाँ A7 को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, A7 OBJ इक्वल टू न्यू A7, और यहाँ पे एक एक करके इस मेथड को कॉल कर दिया, OBJ डॉट प्रिंट, OBJ डॉट शो। ठीक है, तो ये हमने ओवरराइड कर दिया है। कहाँ से ओवरराइड किया है, हमने डिक्लेयर यहाँ पे किया, और इसका इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर में दिया, और इसी क्लास के अंदर में तो हम लोग A7 के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम लोग किसी भी एक क्लास में मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लास इन जावा, बट इट इज पॉसिबल बाई एन इंटरफेस। वाई? ठीक है, एज वी हैव एक्सप्लेन इन द इनहेरिटेंस चैप्टर, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन द केस ऑफ क्लास बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है, एम्बिग्यूटी एरर आता है वहाँ पे। जैसे हम लोग ने यहाँ पे दो इंटरफेस से हम लोग ने, अगर मान के चलिए शो की जगह प्रिंट होता, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते, प्रिंट करते, ठीक है, सेम मेथड होता, ठीक है, सब चीज़ सेम है, लेकिन हम लोग जब यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो दो अलग अलग क्लास, मतलब दो अलग अलग मेथड जैसा इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इंटरफेस बनाने का मतलब यही है कि हम लोग का जो, अगर मेथड के नेम अगर सेम हो गए तो भी यहाँ इंटरफेस के थ्रू हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउएवर इट इज सपोर्टेड इन केस ऑफ एन इंटरफेस बिकॉज देर इज नो एम्बिग्यूटी। यहाँ पे एम्बिग्यूटी एरर नहीं आता है। ठीक है, इट इज बिकॉज इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन क्लास। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरफेस प्रिंटेबल यहाँ पे हमने किया, एक इंटरफेस यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे हमने एक वॉइड प्रिंट नाम का हमने क्या किया, वॉइड प्रिंट नाम का हमने यहाँ पे एक मेथड को डिक्लेयर कर लिया। देन उसके बाद इंटरफेस शोएबल हमने यहाँ पे किया, और वहां पे भी हमने क्या किया, एक वॉइड प्रिंट नाम का मेथड हमने डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्लास लिया, वहाँ उस क्लास का नाम है टेस्ट इंटरफेस 3 इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल कॉमा शोएबल। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक वॉइड प्रिंट हमने लिया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे हेलो प्रिंट कर लिया। अब यहाँ मेन मेथड हमने लिया, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट हमने बनाया टेस्ट इंटरफेस 3 इक्वल टू न्यू टेस्ट इंटरफेस 3, और ओबीजे डॉट प्रिंट करके हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इन द अबव एग्जाम्पल, प्रिंटेबल एंड शोएबल इंटरफेस हैव सेम मेथड्स, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द क्लास टेस्ट इंटरफेस, एक्चुअली में 3 है वो। ठीक है, टेस्ट इंटरफेस 3, सो देर इज नो एम्बिग्यूटी। अब देखो यहाँ पे दोनों का नेम सेम है, मीन्स वो प्रिंटेबल में भी है और शोएबल में भी है। दोनों में से अगर कोई एक भी हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक भी हम लोग कर लेते हैं, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता
होता है, ठीक है। तो ये इन ओवरराइड इसको भी करेगा, ओवरराइड इसको भी करेगा, दोनों को करेगा। तो यहाँ एम्बिग्यूटी जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हम लोग टेस्ट इंटरफेस 3 क्लास में दे रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे तो कोई इशू होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, मीन्स उसका बॉडी अगर यहाँ पे रहता है, डेफिनेशन अगर यहाँ पे होता है, तभी एम्बिग्यूटी होगा, अदरवाइज एम्बिग्यूटी नहीं होगी। एम्बिग्यूटी जो होती है, मतलब कंफ्यूजन जो होता है कंपाइलर को, वो लॉजिक को लेके होता है, ठीक है। क्योंकि लॉजिक अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, और नेम सेम होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग क्लास में होगा, तब एम्बिग्यूटी आता है। इम्प्लीमेंटेशन अगर सेम क्लास के अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एम्बिग्यूटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी होती है क्लासेस को लेके, जब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाते हैं, वो यहाँ पे नहीं होती है। इंटरफेस इनहेरिटेंस, ए क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस बट वन इंटरफेस एक्सटेंड अनदर इंटरफेस, ठीक है। एक क्लास में हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन किसी दूसरे इंटरफेस में हम लोग किसी दूसरे इंटरफेस को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंटरफेस प्रिंटेबल, और यहाँ पे हमने एक वॉइड प्रिंट नाम का मेथड डिक्लेयर कर लिया। दूसरा यहाँ पे बना है इंटरफेस शोएबल, और इसमें एक्सटेंड किसको कर लिया, प्रिंटेबल को कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक वॉइड शो डिक्लेयर किया है मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक्सटेंड किए इस प्रिंटेबल को, तो प्रिंटेबल के अंदर जो यहाँ पे मेथड था, जो मतलब डिक्लेयर किया हुआ मेथड है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसा नॉर्मल क्लासेस में होता है वैसे ही। क्लास टेस्ट इंटरफेस 4 हमने लिया, इम्प्लीमेंट्स शोएबल, ठीक है। शोएबल है, इसमें प्रिंटेबल और शोएबल दोनों के मेथड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। देन इसके बाद इसमें हम लोग क्या किए, पब्लिक वॉइड प्रिंट, सबसे पहले इस प्रिंट को हमने ओवरराइड कर लिया, देन उसके बाद हमने किसको कर लिया, शो को भी ओवरराइड कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन मेथड हमने लिया, टेस्ट इंटरफेस 4 का अपने ऑब्जेक्ट बनाया, और ओबीजे डॉट प्रिंट, ओबीजे डॉट शो हमने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे क्लासेस जैसे यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लोग दो इंटरफेस में भी इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल लेवल भी हो सकता है, मल्टी लेवल भी हो सकता है, दोनों हो जाता है, और हायरार्किकल भी हो सकता है। तो तीनों टाइप के इनहेरिटेंस हम लोग इंटरफेस के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं।